गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे एक्सरसाइज कौन सी पर, एक्सरसाइज सिक्स्थ ए चल रही थी। अवकल समीकरण में द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण की बात कर रहे थे। उसके हमने दो क्वेश्चन करवा दिए थे, दो तीन और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाले लेते हैं इसका, जो कि बहुत बार आया हुआ है। और कोई क्वेश्चन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं हो रहा हो, तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 है d2y अपॉन dx स्क्वायर और क्या है माइनस कॉटेक्स dy/dx माइनस 1-cortex और क्या है इसके साथ में y है बराबर है e^x sin x। ठीक है, इस टाइप का है। तो हमें क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। देखते हैं किस टाइप से प्राप्त होता है इसका हल। ये हमारे पास में, तो इससे मानक समीकरण से तुलना कर दे इसकी, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना कर रहा है इसकी, मानक समीकरण से तुलना करने पर P की वैल्यू क्या आएगी बताओ, माइनस कोट एक्स आ जाएगी। Q की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के क्या 1-cortex आ जाएगी। और R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू e^x और साइन एक्स आ जाएगी। आर की वैल्यू की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, पी और क्यू की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। तो इसका गुणा और करवा देते हैं, तो हम पी प्लस क्यू करके देख लेते हैं। पी प्लस क्यू क्या आएगा, माइनस कोटेक्स माइनस 1+cortex आ जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें, तो 1+ का हो जाएगा, 1+p+q बराबर क्या रह जाएगा, 0। तो देखो ऐसी फॉर्म किसके लिए है, इसलिए u/e^x हल का एक भाग है। ये e^x के लिए है, ऐसा हमने लिखवा दिया था, e^x के लिए है, हल का एक भाग प्राप्त हो गया। ठीक है, पूर्ण हल क्या होता है, पूर्ण हल y बराबर u इंटू वी। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, u की वैल्यू रख दें, e^x इंटू वी। अब ये तो y का मान आ गया, यहाँ रखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी dy/dx की और d2y/dx² की। इन दोनों मानों को इसका अवकलन करके निकालेंगे। तो इसका अवकलन कर देते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या आएगा, वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx, e^x का e^x, फिर v का करेंगे dv/dx प्लस, अब की बार ये v जैसे तैसे e^x का अवकलन, e^x एक बार, ये जैसे तैसे v का अवकलन, एक बार v जैसे तैसे e^x का अवकलन। तो ये वैल्यू मिल गई हमें किसकी, dy/dx की। अब हम क्या निकालेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे और उससे क्या निकालेंगे, d2y/dx² यानी कि जो हमारे पास में दो बार अवकलन है वो हमें चाहिए। तो इसका करते हैं दोबारा से, ये पेज 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, पेज 1 स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिटाते हैं इसको। इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको मिटाया नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, इसका दोबारा से अवकलन कर रहे हैं। तो d2y/dx² हो जाएगा इधर, तो उधर फर्स्ट सेकंड से इसमें करना पड़ेगा। तो एक बार तो e^x जैसे इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा,
डी टू वी अपॉन कितना डी एक्स स्क्वायर प्लस एक बार ये डी वी अपॉन डी एक्स जैसे तैसे ई की पावर एक्स का क्या रहेगा ई की पावर एक्स प्लस ये क्या रहेगा वी जैसे तैसे ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स फिर ई की पावर एक्स जैसे तैसे वी का अवकलन क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स ठीक है। और ये सारे मान उठाकर हम कहाँ रखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में मान रखने पर एक में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये पूरा मान यहाँ रखना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का यहाँ रखना है ये वाला रख रहा है पूरा तो e की पावर x डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हमारे पास में दो बार है तो इसे टू डी वी अपॉन डी एक्स और क्या लिख लें e की पावर x फिर क्या रह गया v की पावर x रह गया v e की पावर x। अब यहाँ पर रखते हैं माइनस कोट एक्स तो जैसे तैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये रख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ ब्रैकेट में लिख लेते हैं e की पावर x और डी वी अपॉन डी एक्स और क्या है प्लस v e की पावर x ठीक है ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे फिर ये पद और है माइनस वन माइनस कोट एक्स और कितना y y की वैल्यू क्या है e की पावर x इंटू वी बराबर कितना चल रहा है e की पावर x और साइन x ठीक है ऐसा रह जाएगा ये देखें इसको समझें मान रख दिए इसमें हमने ऊपर वाले समीकरण एक में तो इतना प्राप्त हो जाएगा। इसको और सरल करते हैं तो क्या होगा ये e की पावर x डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अकेला पद है प्लस डी बी अपॉन डी एक्स वाले देख लेते हैं क्या क्या है डी बी अपॉन डी एक्स वाला एक ये रहा टू ई की पावर एक्स है टू ई की पावर एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स वाला एक ये रहा तो ये दोनों आ जाएंगे इनके गुणा में तो माइनस का कोट एक्स और ई की पावर एक्स ठीक है और तो कहीं डी बी अपॉन डी एक्स वाला है नहीं और v वाले ऑटोमेटिक सब क्या हो जाते हैं जीरो हो जाते हैं v वाले और बच गया क्या उधर e की पावर x और साइन x। ये जो v वाला है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं v वाला इसको लिखने की आवश्यकता नहीं v वाला इसको लिखने की आवश्यकता नहीं ये ऑटोमेटिक सब जीरो हो जाते हैं केवल हमें कौन से लिखने हैं डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वी अपॉन डी एक्स वाले। तो इसको और सरल करते हैं क्या कर लें इसमें e की पावर x e की पावर x e की पावर e की पावर x e की पावर x से भाग लगा दें e की पावर x से भाग देने पर क्या आ जाएगा e की पावर x और ये यहां से कट जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या रह जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू में क्या रह जाएगा e की पावर x तो कट गया क्या रह गया टू माइनस कोट एक्स ठीक है टू माइनस कोट एक्स रह जाएगा और क्या आएगा बराबर उधर क्या कितना आ जाएगा साइन x आ जाएगा। हम क्या करें इसमें मान लें ये सब मान v का मान निकालने के लिए कर रहे हैं माना क्या डी बी अपॉन डी एक्स बराबर इसको p मान लेते हैं डी बी अपॉन डी एक्स को क्या मान लें p तो हमें आवश्यकता इसकी पड़ेगी डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की तो इसका दोबारा से अवकलन कर देते हैं डी बी अपॉन डी एक्स का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और पी का अवकलन क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स पी का अवकलन हो गया डी पी अपॉन डी एक्स। ये सब मान उठा के हम कहाँ रख रहे हैं समीकरण इसमें रख रहे हैं इसको हम दो कह देते हैं समीकरण कौन से में दो में मान रखने पर दो में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ ये कितना हो जाएगा डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी पी अपॉन डी एक्स लिख देते हैं तो ये हो जाएगा कितना डी पी अपॉन डी एक्स प्लस ये पी हो जाएगा और टू माइनस कॉट एक्स बराबर कितना है साइन एक्स ठीक है ऐसा रह जाएगा। अब ये हमारी कौन सी अवकल समीकरण है रैखिक अवकल समीकरण है इसका हम हल निकालेंगे रैखिक अवकल समीकरण से। ये पेज हमारा कौन सा है
पेज टू है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। ले लिया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान रख दिया हमारी अवकल समीकरण ऐसी आ गई, तो ये हमारी अवकल समीकरण ऐसी आ गई कैसी, ये रफ है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू जैसी। तो याद हो तो हम इसमें आई एफ निकालते थे, इंटीग्रेशन ई की पावर पी डी एक्स। फिर इसका हल कैसे लिखते थे, हल लिखते थे वाई बराबर वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस टाइप का हल लिखते थे, ऐसी समीकरण बन रही है हमारी ये। तो क्या करेंगे इसमें, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, पी का काम कर रहा है। तो इसका आई एफ निकाल लेते हैं, ये तो क्या है हमारी रफ है। अब आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन कितना टू माइनस कोट एक्स और डी एक्स। तो इसका हम समाकलन कर देते हैं, ई की पावर टू एक्स माइनस कोट एक्स का क्या हो जाएगा लॉग, कोट एक्स का क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर टू एक्स इंटू ई की पावर कितनी माइनस लॉग साइन एक्स, अलग अलग कर लिए पावर। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर टू एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर लॉग कितना वन अपॉन साइन एक्स, माइनस चिन्ह हटाएंगे तो इसे वन अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। ई की पावर लॉग से ई और लॉग कैंसिल हो गया, वन अपॉन साइन एक्स बच गया। तो हमारी जो आई एफ की वैल्यू है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसकी वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर टू एक्स और वन अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब इसका हम हल लिखते हैं, हल कैसे लिखेंगे, ये पी के पदों में आ रहा, पी इंटू लिखेंगे, पी इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो पी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर कितनी, डी वी अपॉन डी एक्स, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा ई की पावर टू एक्स अपॉन कितना साइन एक्स, बराबर इंटीग्रेशन में आई एफ की वैल्यू ई की पावर टू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू हमारी साइन एक्स थी, क्यू की वैल्यू ये रही साइन एक्स, साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी। साइन एक्स कट गया, क्या बच गया, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इंटू में इसको लिख लेते हैं अभी, ई की पावर टू एक्स बटे कितना साइन एक्स, बराबर यहाँ कट गया e की पावर टू एक्स का समाकलन, e की पावर टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये आ गया, साइन एक्स को उधर भेज दे, e की पावर टू एक्स को नीचे भेज दे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज डी वी अपॉन डी एक्स क्या निकल कर आएगा, यहाँ से साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, e की पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स बटे टू ई की पावर टू एक्स, साइन एक्स ऊपर चला गया, ई की पावर टू एक्स नीचे, ऐसे सी में जाएगा, इसको सी वन कह देते हैं, एक कॉन्स्टेंट और आएगा इसमें, प्लस कितना सी वन, सी वन क्या आ जाएगा, साइन एक्स ऊपर और ई की पावर टू एक्स कहां पर नीचे। ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा ये डी वी अपॉन डी एक्स का मान, ई की पावर टू एक्स कट गया तो क्या रह गया, डी बराबर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, डी एक्स को उधर भेज देते हैं उस तरफ, तो डी वी बराबर क्या रह जाएगा बताओ, डी वी बराबर क्या रह जाएगा, यहाँ की पावर टू एक्स कट गया, साइन एक्स बटे दो प्लस सी वन और कितना साइन एक्स, ई की पावर कितनी टू एक्स और कितना डी एक्स। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। तो
तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें चाहिए इसका समाकलन, हमें तो v का मान चाहिए। अब इसका हम क्या कर दे, समाकलन, समाकलन करने पर क्या जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, v बराबर इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे तो ये v रह जाएगा, समाकलन करने पर क्या रह जाएगा, ये v इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स बटे दो प्लस सी वन इंटीग्रेशन डी एक्स लगा देते हैं सबका, डी एक्स प्लस सी वन इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स ई की पावर टू एक्स और डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन का चिन्ह है वो सब में चला जाएगा। ये हमारा पेज नंबर कौन सा है, पेज थ्री है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। तो अब हमें इसका समाकलन करना है, किस टाइप से करेंगे समाकलन, एक हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन का, उससे भी कर सकते हैं इसे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब इसका समाकलन करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है समाकलन में। तो फॉर्मूले का उपयोग कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है हमारे पास में किसका, e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ठीक है, ऐसा है e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो इसका समाकलन क्या होता है, इसके समाकलन का सूत्र है वन अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या, बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी तो है ही यहाँ पर ये, और क्या आ जाएगा, साइन एक्स का समाकलन कर रहे हैं, साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, वी का मान निकाल रहे हैं, प्लस कितना आ जाएगा, सी वन, इसका समाकलन इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं तो क्या आएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और क्या आएगा, बी कॉस बी एक्स, बी का काम क्या कर रहा है, बी का काम ये वन कर रहा है, तो ये आ जाएगा वन इंटू कॉस एक्स प्लस ए, ए का काम टू कर रहा है तो टू साइन कितना एक्स, ठीक है, और प्लस कोई कांस्टेंट कितना सी टू, ये प्राप्त हो गया। तो वी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, माइनस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस सी वन अपॉन कितना फाइव हो जाएगा, ये c1 अपॉन 5 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या रह जाएगा, cos x प्लस कितना 2 sin x और प्लस c2। अब इसका पूर्ण हल क्या हो जाएगा, अब पूर्ण हल y बराबर u इंटू v, तो y बराबर u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, u की वैल्यू क्या आई थी, e की पावर x, v की वैल्यू ये रही माइनस cos x बटे 2 और प्लस सी वन अपॉन फाइव कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। तो ये आ जाएगा हमारा इसका क्या, अभीष्ट आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो इसमें से और देखना जितने भी हो जाए क्वेश्चन करके, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को देखना करके। नहीं हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।